जाता है तो विवेक तो गायब हो जाता है। ये कंडीशनिंग है। हमको लगता है कि ऐसा होता है क्योंकि ऐसी आदत है। क्रोध भी एक इंटेंस थॉट है, उसमें एक नया थॉट है कि हम जागेंगे इसके, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो आ जाएगा। जब भी हम कोई नया विचार डालते हैं तो वो अपना काम करता है, जैसे नए बीजों को उगने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है। ये तो बड़ी हमारी अजीब सी इच्छा है कि हम ऐसी बड़ी बड़ी बातों को तुरंत चाहते हैं। मैंने कहा कि विवेक से क्रोध को देखना, और घर पर जाते हैं और फिर दो तीन बार के बाद रोड लौट के कह देते हैं कि नहीं होता, क्रोध में विवेक कहाँ होता है। मैं भी कह रहा हूँ इतनी आसानी से कहाँ हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने 9 महीने साल भर। मैं तो 9 महीने तक आइडियल समझता हूँ, अगर आप कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर और भी ज़्यादा आशा की बात करी जाए, इस जीवन में भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक बहुत गहरी बात है। क्रोध के बीच में कोई व्यक्ति जाग गया, विवेक उसको आ गया, ट्रांसफॉर्म हो गया वो व्यक्ति। बस ट्रांसफॉर्मेशन से दूर नहीं है, इसी के लिए तो कहते हैं लोग जन्मों जन्मों व्यक्ति प्रतीक्षा करता है। जल्दबाजी में नहीं होता है ये कंडीशनिंग है, लेकिन होता है ये भी एक विचार है, क्योंकि हजारों लाखों लोगों ने वैसा किया है कि नहीं किया है वो उदाहरण है। और हम मेजोरिटी को उदाहरण क्यों बनाते हैं कि नहीं होता, जिन्होंने किया उनको देखें। अगर दुनिया में नियम ये है कि एक व्यक्ति के साथ भी कोई चीज हुई है तो आपके साथ भी हो सकती है, लेकिन ये वाली बातें तो लाखों लोगों के साथ, कितने लोग इस साधना की अवस्था को उपलब्ध हुए हैं, कितने लोगों ने उस सिद्धावस्था को जाना, तो वो आपकी भी संपदा है। बस उसको यकीन करें और इस विचार को रखें, गलतियों से मत डरें, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगली बार फिर। ऐसा रखना है कि इसमें वासना या इच्छा, जिसे काम वासना, तो मूल रूप से वासना विसर्ग शब्द हुआ, इसे ही ज़्यादा समझने और परखने की जरूरत है, क्योंकि क्रोध को वासना या इच्छा पूर्ति के उसमें आने वाली बाधा के प्रति उत्पन्न होता है, तो मूल इसमें इच्छा या वासना ही होगी फंडामेंटल। तो उसे समझ लेने पे क्रोध अपने आप विरोधी हो जाता है। फंडामेंटल तो वासना ही है, और क्योंकि वो क्रोध इतना इंटरलिंक्ड है, उससे अंतर संबंधित है, तो आगे पीछे ही चलता रहता है। जिसको जो आसानी पड़े, मैंने इसलिए दोनों पहलू कहे, मुख्य तो अपनी इच्छाओं और वासनाओं के प्रति जागना ही है। तुम्हारी इच्छाएं नहीं पूरी हुई तो सो व्हाट, क्या फर्क पड़ना, कई बार ना पूरी हो तो अच्छा है। तुम्हारे मन का हो जाए तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अच्छा है, और जो मन का ना हो तो मानेंगे बहुत अच्छा है।